सबसे पहले तो आपका सॉन्ग सभी को बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, एज इन पार्टी टाइप का थोड़ा है, एंड मिक्का जी की जो वॉइस है वो अलग ही फ्लेवर डालती थी उसमें। सो इट्स डेफिनेटली नाइस सॉन्ग एंड वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड बाय एमएच सर। आपने अपने अपना जो फोटे था उससे बाहर निकल कर कुछ किया है, आपने आपको डांस करते हुए लोगों ने देखा था, टेलीविजन सीरियल्स में देखा था, तो क्या कहना चाहेंगे, ये आपके पास कैसे आया और कैसे जुड़े आप इस गाने से? मेरे को पेपर डॉल जो उनका प्रोडक्शन हाउस है अहमद सर का, उनके वहीं से अप्रोच आया था, एंड दे सॉ माय मोस्टली माय एचपी आर्ट इसके पहले जो किया था, सो उसमें से उनको चाहिए था ऐसा कुछ कैरेक्टर। सो एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जब पहली मीटिंग हुई सर के साथ, तो सबसे पहले तो उस ओ में था सर को मिस्टर इंडिया के बाद ऐसे वापस देखा तो सर बोल रहे थे, मैं ऐसा था कि हाँ मैं सुन रहा हूँ बट मैं नहीं सुन रहा हूँ, बट या मतलब आधी चीज़ें सुना मैंने, आधी चीज़ें नहीं सुनी, बट इट वॉज वेरी नाइस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा था एंड समथिंग न्यू था, फ्रेश था, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। म्यूजिक वीडियो कभी किया नहीं है, एंड स्पेशली अहमद सर अगर डायरेक्ट करें तो एक अलग अपॉर्चुनिटी है, एंड टी सीरीज भी इन्वॉल्व है, सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, मैंने सोचा कि डेफिनेटली ट्राई किया जाए। सनी लियोनी है ऑब्वियसली, बात पता चला तो हो गया। आपका किरदार एक गीक का था, तो उसको लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने? एक्चुअली कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने, इट वॉज जिस ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया था मुझे, बड़ी आसानी से समझ में आ गया था कि कैरेक्टर क्या है, एंड देन फिर सर का एक तरीका है डायरेक्ट करने का, मतलब यू कैमरा रोल हो जाता है एंड देन ही कीप्स टेलिंग यू कि अब ये कर, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर, सो वंस इन यू वंस आप उस लुक में आ जाते हो, और अब अगर सर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करते हो जो सर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो इट बहुत ईज कर देते हैं सर काम, तो वो बहुत हेल्प किया कैरेक्टर को पकड़ने में। सो सनी लियोनी की बात करें तो उनके साथ मतलब काम करने से पहले और काम करने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने कभी देखा नहीं है उसको रियल लाइफ में, सो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, उनके टैंटम्स होंगे या फिर एटीट्यूड होगा, एक यू नो जनरली यू हैव कि एक अगर आपके जिस पोस्ट पे हो आप इतने फेमस हो और हम लोग इतने नहीं, कोई हमें जानता नहीं, एंड आई एम श्योर इवन शी डिडंट नो हु आई वाज, सो जब उन्होंने उनको पहले मीट किया तो काफ़ी अच्छे से ग्रीट किया उन्होंने, एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट हर, very focused in terms of what she wants to do and what she doesn't want to do, so yeah, I'm very humble, something very, I didn't know, but I'm very impressed with the way she carries herself, yeah. आपके फ्रेंड्स की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट आए थे इस गाने को लेकर और इस सॉन्ग को लेकर? मैंने एक्चुअली किसी को बताया नहीं था क्या कि मैंने ऐसा कुछ किया है, कब रिलीज होने वाला है, never said anything, I just wanted to give them a surprise. और सब लोगों का ऐसा तो मिक्स रिएक्शन है, ओह माय गॉड तू, अरे तू ये किया, तूने वो किया, एंड देन सनी लियोनी के साथ किया, यार वेरी नाइस है, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड गोइंग, गुड, आई मीन दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्राउड कि एक लेवल अप बढ़ा है, एटलीस्ट म्यूजिक वीडियो किया है, सो समथिंग न्यू दैट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू। सो अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ न्यू किया है आपने, तो ये गाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और आपके करियर, अगर करियर आपको देखें तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर में? I don't know कितना important होगा नहीं होगा, but it was fun shooting it. It was fun knowing people, meeting people, new people, and बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे भी सीखने मिली, and अच्छा experience था. Hopefully it turns out कि कुछ और भी करने मिले इन लोगों के साथ, अच्छी team है to work with definitely, and yeah, it was nice collaboration. अच्छा, इसके अंदर आपने अपीयरेंस तो किया है, कभी आपने गाने के लिए मतलब गुनगुनाने के लिए कोशिश की? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा सिंगर नहीं हूँ, I'm pretty pro bathroom singer, so मैंने कोई गुनगुनाने की कोशिश नहीं की, इट्स वेरी हार्ड, मिक्का सिंह के लिरिक्स को बड़बड़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है, जिस मूड में वो गाते हैं उनको पकड़ना
लाइंस भूल जाते हैं, मूड पकड़ने जाओ तो लाइंस भूल जाते हैं, और लाइंस पकड़ो तो मूड की तो एक हो जाती है फिर। अच्छा, रियल लाइफ में कभी मिक्का से और कनिका जी से तो आप मिले होंगे? यस। और मिक्का जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, मैंने उसे उन्होंने देखा है दूर से, द पर्सनालिटी जैसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी है वो, तो उनको बस देखा है मैंने, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। मे बी समवेयर सून मिल सकते हैं मुझसे। अच्छा, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप किस तरह से अपने किरदार को देखना चाहते हैं? मतलब कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, सो कोई ड्रीम रोल है जो आप निभाना चाहते हैं? ड्रीम रोल तो है, बट वो बहुत ही एकदम हाई लेवल का ड्रीम रोल है। मे बी होपफुली कभी करने को मिले, जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जो लियोनार्डो डी कैप्रियो ने प्ले किया था, दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू प्ले वन डे, एंड होपफुली आई विल कैरी इट ऑफ प्रीटी वेल द वे ही हैज। आई डोंट थिंक ही जिस ढंग से उन्होंने किया उस तरीके से उन्हें निभा पाऊंगा, बट डेफिनेटली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट्स समथिंग, दैट्स अ ड्रीम ड्रीम रोल फॉर मी आई विल से। ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे थ्रिलर हो गया, कॉमेडी हो गया? हाँ, मेरे को एक्शन करने का मन है, देन कॉमेडी में घुसने का मन है, मतलब डिपेंड करता है कैसे प्रोजेक्ट्स है। तो मन होता है एज एन एक्टर, डेफिनेटली यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, क्या शूट करता है क्या नहीं करता है, कितना चैलेंजिंग होता है। सो है एक्शन एंड कॉमेडी मेन जॉनर में बोलूँगा, बट एक्शन के लिए वो ये थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। तो अच्छा, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो फैमिली वाले किस तरह से सपोर्ट करते हैं और क्या सजेशन देते हैं वो प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं, मेरे फैमिली वाले इतने ऐसे कुछ, मेरा भाई जो है बस वो ज़्यादा पूछता है, नहीं ये सब करता है। मम्मी पापा लोग को मैं, मतलब मम्मी पापा लोग ने थोड़ी छूट दी है कि जस्ट बी केयरफुल वट एवर यू आर सिलेक्टिंग, एंड इट शुड हेल्प, एक नॉच अप होना चाहिए, वट एवर जो प्रीवियस किया है उससे एक नॉच अप जाना, एंड बस अपना 100% हो यार। उनको भी पता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, यू जस्ट कैन सिट एट होम एंड भरोसे में रहो कि कोई काम देगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लुक आउट एंड यू हैव टू अप्रोच पीपल, एंड जो आएगा उसमें थोड़ा सा अप डाउन होता है, आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट है। सो ये म्यूजिक वीडियो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा कम्फर्ट जोन से जो बाहर निकलने की सिचुएशन थी वो मेरे लिए था, बिकॉज आई हैव नेवर गिवन अ शॉट इन बॉक्सर्स एंड स्टफ, बट इसमें मैंने किया है। सो आई थिंक मैं कम्फर्टेबल भी था, पहले मैं कम्फर्टेबल नहीं भी था, सो वो सब सारी चीज़ें हैं जो एक कम्फर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना था मुझे। सो आई थॉट इट्स नाइस वे टू एक्सप्लोर थिंग्स। मतलब कह सकते हैं कि डांसिंग के अलावा भी आप सब कुछ करना चाहते हैं? सी, डांसिंग मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा पहला पैशन डांसिंग है, एंड देन इट्स एक्टिंग। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स मी टू एक्ट, तो वही है कि अब मुझे हेल्प कर रहा है डांसिंग मेरी एक्टिंग में। मेरा जो क्लेम टू फेम है, दैट वाज दिल दोस्ती डांस, एंड डांस की वजह से लोग देखने लगे, डांस की वजह से फिर लोग एक्टिंग भी देखने लगे। सो इट्स दैट वे। सो कोशिश कर रहा हूँ जो करूँ 100% दूँ, तो जब मैं डांसिंग करता हूँ तो मैं वहाँ पर भी 100% देता हूँ, जब एक्टिंग करता हूँ तो उसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं 100% दूँ। सो दैट इज दैट। Any upcoming project you want to share? There are a lot of upcoming projects, but sab pipeline mein, so main kisi ke bare mein kuch bol nahi sakta. So maybe, hopefully I'll come again very soon to entertain you guys.